भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई जा रही है। राजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने उन्हें किया है नमन। और इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक लवणिया के साथ। जी दीपक, बताएं क्या कार्यक्रम है। जी राखी, भरतपुर के संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की आज जयंती है और जयंती समारोह के मौके पर भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस भी आज से मनाया जाएगा। 7 दिवसीय कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है उसकी आज से शुरुआत हो गई है। राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री और महाराजा सूरजमल की वंशज विश्वेंद्र सिंह सुबह यातायात सर्किल पर जो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा है वहां पहुंचे हैं और प्रतिमा के समक्ष को प्रस्तुत कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के अलावा भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर के SP श्याम सिंह, कांग्रेस नेता श्याम सिंह चौधरी, अजीत सिंह हिंगोली, लाखन सिंह हिंगोली, कई नेता वहां मौजूद रहे, कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। सभी ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं, उन्हें नमन किया है। 7 दिवसीय कार्यक्रमों की आज से शुरुआत हो जाएगी। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो लोहागढ़ दुर्ग है वहां महाराजा सूरजमल का जो स्मारक है किशोरी महल पर, वहां भी पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के अलावा जिला कलेक्टर SP सभी ने वहां भी पहुंचकर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। थोड़ी देर बाद किशोरी महल में विशाल गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा, जहां इतिहासकार और जो वक्ता है वो भरतपुर संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। जी राखी जी, 5 दिन के रंगारंग कार्यक्रम रहेंगे भरतपुर में। धन्यवाद दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की जयंती है जिसमें 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज से इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कि महाराजा सूरजमल के वंशज हैं उन्होंने उन्हें पुष्पांजलि देकर नमन किया।